हेलो, फिर से आप लोग का वेलकम है मेरे इस मैथ क्लास में। मैंने प्रीवियस क्लास में फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको बताया था, फिर लाइक फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया था। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, तो उसको बता के उसके बाद मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ बढ़ूंगा। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन तो किसे कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन अगर दिया रहेगा तो उसमें कौन सा ग्रेटर और कौन सा जो लेस होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको जानना जरूरी है। पहले ही सब समझ लीजिए कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, हमको बताना है। तो मैंने क्या बताया था, देखिए, इक्विवेलेंट या इक्वल, अगर कुछ भी बोले, अगर बोले कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है या तो इक्विवेलेंट है, तो मैंने इक्विवेलेंट का मतलब प्रीवियस क्लास में बता दिया है। ओके, तो आपको इक्विवेलेंट चेक करने के लिए क्या करना था कि आपको इसका डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 270, और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 270। तो दोनों क्या हो गया, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया और न्यूमिनेटर भी क्या हो गया, सेम हो गया। इसीलिए दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, इक्वल फ्रैक्शन होगा। ओके, चलिए आइए, मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम करते रहे तो वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, आपको इजीली पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, अगर आप न्यूमिनेटर को इक्वल करते रहे तब क्या होगा उस सिचुएशन में, आइए समझते हैं। मान लीजिए दो फ्रैक्शन मैंने लिखा, 6/7 और 6/11। ओके, अब यहाँ देखिए न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर 6 केक को 7 लोगों में डिवाइड करना है, यहाँ पर 6 केक को कितने लोगों में डिवाइड करना है, 11 लोगों में डिवाइड करना है। अब यहाँ देखिए केक तो सेम है, तो आप बताइए ज्यादा लोग होंगे तो केक कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, जब ज्यादा लोग होंगे तो केक कम मिलेगा, अगर कम लोग होंगे तो केक क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। सिंपल से ना बात है, अगर 4 एप्पल है और 4 ही लोग है तो हर एक को कितना मिलेगा, एक एक मिलेगा। अगर 2 लोग होते तो कितना मिलता, 2-2 मिलता, यानी लोग जब कम होंगे तो केक ज्यादा मिलेगा। तो इसमें देखिए केक तो सेम है, तो लोग अगर यानी डिनोमिनेटर में जो ज्यादा है, ज्यादा लोग होंगे तो उन लोग को कम मिलेगा, और कम लोग होंगे उनको ज्यादा मिलेगा, यानी ये ज्यादा हो गया और ये कम, यानी जो कम डिनोमिनेटर है वही क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके, इस तरह का आपको क्वेश्चन देता है अरेंज करने के लिए, आप अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, चलिए आइए इस टाइप का एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला लाइक फ्रैक्शन का हम लोग कर लेते हैं। अगर न्यूमिनेटर सेम दिया हुआ है तो, ओके, न्यूमिनेटर वाला मैंने पहले ही बता दिया था प्रीवियस क्लास में, आज हम लोग ऊपर के न्यूमिनेटर अगर सेम है तो उसको देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करना है, असेंडिंग, असेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा, यानी आपको छोटा से स्टार्ट करते हुए बड़े की तरफ जाना है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको लिखना है। तो आप देखिए ऊपर में न्यूमिनेटर क्या है, 3 है, यानी सब 3 केक है, इसको 8 लोगों में, इसको 12, इसको 6, इसको 4 लोगों में डिवाइड किया गया। ओके, अब यहाँ देखिए छोटा से बड़ा करना है, तो जो जिसमें ज्यादा लोग होंगे उन लोगों को कम मिलेगा, तो इसमें क्या है 12 लोग है, ये सबसे कम मिलेगा। उसके बाद कौन सा ज्यादा लोग है, ये 3/8, तो इन लोगों को उसके बाद कम मिलेगा। उसके बाद कम किसको मिलेगा, ये 6 लोगों वालों को मिलेगा, और सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, जो 4 लोग है उन लोगों में हर एक को ज्यादा ज्यादा मिलेगा। ओके, क्लियर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसको मिला इसको, यानी डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, ज्यादा से छोटा, यानी बड़ा से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद किसको मिला है, इन लोगों को, उसके बाद ज्यादा किसको मिला है, इन लोगों को, उसके बाद किसको मिला है, इन लोगों को मिला है। ओके, क्लियर है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग किस तरह कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन को एड हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ देखिए 3/22 और 7/22, यानी 3 केक को 22 लोगों में डिवाइड किया गया, यहाँ पर 7 केक को 22 लोगों में डिवाइड किया गया। ओके, आप क्या बोलेंगे कि दोनों को तो 22 ही लोगों में डिवाइड किया जा रहा है, एक काम करते हैं दोनों को ही प्लस कर देते हैं, हमको तो टेंशन है नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम ही है, यानी दोनों को 22 लोगों में ही डिवाइड किया जा रहा है। तो हम काम करते हैं केक को प्लस कर देते हैं, उसके बाद उसको 22 में डिवाइड, यानी यहाँ पर 3 केक को 22 लोगों में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर 7 केक को 22 लोगों में डिवाइड कर रहे थे, ये काम कर रहे हैं हम, दोनों केक को ही प्लस कर दे रहे हैं, दोनों केक को एक साथ करके उसके बाद डिवाइड करते हैं 22 लोगों में। तो अब डिवाइड करने पे मेरा कितना आएगा, तो अब मेरा कितना आएगा, 10/22 आएगा, यानी 10 लोगों में 22 डिवाइड होगा। तो दोनों को
छोटा कर सकते हैं, इसको पांच पार्ट में डिवाइड, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11, यानी कितना हो गया 22 लोगों के लिए 10 केक था, तो 11 लोगों के लिए कितना केक चाहिए, 5 केक चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रैक्शन माइनस के। अगर लाइक फ्रैक्शन का माइनस दिया जाए तो उसको हम लोग किस तरह करेंगे, देखिए 7 केक को डिवाइड किया गया है 10 लोगों में, फिर माइनस किया गया है 4 केक को 10 लोगों में, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर भी कि दोनों को तो 10 ही लोगों में डिवाइड किया जा रहा है, तो एक काम करते हैं पहले 7 केक में से जो 7 केक को यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा था, यहाँ 4 केक को तभी डिवाइड नहीं करते हैं, पहले हम लोग 7 केक में से 4 केक को माइनस कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उसको 10 लोगों में डिवाइड करते हैं, यानी हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे केक को माइनस कर देंगे, उसके बाद 10 ही लोगों में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे 10 लोगों में डिवाइड कर देंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? देखिए अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, यानी लोगों की जो डिवाइड किया जा रहा है जो केक को वो अलग अलग लोगों में डिवाइड किया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 3 केक है, इसको 5 लोगों में डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 3 केक को आपको 7 लोगों में डिवाइड किया जा रहा है, या यहाँ पर 5 केक को 7 लोगों में डिवाइड किया जा रहा है, यानी केक अलग अलग हो उससे मतलब नहीं है, मान लोग यहाँ पर क्या है अलग अलग हो गया, यानी डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया, यहाँ पर 5 लोगों में डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर 7 लोगों में डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्वांटिटी अलग अलग हो जा रहा है, यानी यहाँ पर जो डिविजन जो जितने लोगों में डिवाइड हो रहा था यहाँ पर जितने लोगों में डिवाइड हो रहा था दोनों ही अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन। ओके अब आता है कि लाइक फ्रैक्शन में हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा लेस है। सिंपल सा बात है, आपको 5 यहाँ पर 3 केक को 5 लोगों में डिवाइड किया गया है, हर एक को मिला है कुछ ना कुछ, यहाँ पर 5 केक को 7 लोगों में डिवाइड किया है, तो आप कैसे बताएंगे किसको ज्यादा मिला है किसको कम मिला है, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप वही रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे के दोनों का लोगों का क्वांटिटी सेम करके देखेंगे किसमें ज्यादा केक है, तो यानी क्या करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट जब डिनोमिनेटर तो सेम ही हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 × 3 कितना होगा 21 और 5 × 5 कितना होगा 25, एंड डिनोमिनेटर तो सेम हो ही जाएगा, 7 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 को इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में कितना आया यहाँ 25, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना आया 21, तो किसका केक ज्यादा है, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी कितना आ गया 35 लोग, यहाँ पर भी 35 लोग, तो इसके लिए 25 केक है इसके लिए 21 केक है, तो किसके लिए ज्यादा है इसके लिए, तो इन लोगों को ज्यादा मिलेगा इन लोगों को कम मिलेगा, तो कौन सा ग्रेटर है, ये वाला क्या है ग्रेटर है। अगर दो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है। ओके अगर एक टाइप का और क्वेश्चन ले 5/3 और 7/11, इसमें से बताना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 55, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21, तो किसका न्यूमरेटर किसका केक ज्यादा है, जब डिनोमिनेटर को सेम करिए तो किसका केक ज्यादा आया इसका केक ज्यादा आया, इसीलिए ये वाला क्या होगा ग्रेटर होगा। ओके नेक्स्ट डे हम लोग जब 4 या 5 अनलाइक फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसको किस तरह हम लोग पहचानेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, बहुत आसान तरीका से नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा। और अनलाइक फ्रैक्शन का मेनली जो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मिक्स्ड फॉर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके लिए बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, बहुत इजीली कम टाइम में आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिक के साथ उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके वीडियो को देखते रहिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।